कैसा आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, काफ़ी मज़े होंगे। तो दोस्तों आज घूमना है मैम सफदरजंग मकबरा, जो कि दिल्ली में है जोरबाग के पास। तो चलिए आज चलेंगे इसका एक्सप्लोर और जाएंगे और देंगे आपको जानकारी, तो वीडियो बने रहे अंत तक। बात करूँ यहाँ के नियर मेट्रो स्टेशन की, तो वो पड़े आपको यहाँ का जोहरबाग। मेट्रो से आप आराम से आ सकते हैं, आपको 5-6 मिनट लगे हैं, पैदल ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। टिकट क्या, तो टिकट पड़ेगी 2500 रुपये की, और टाइमिंग की है इसकी है सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, 7 डे ओपन है, किस टाइम आप आ सकते हो। चुके हैं हम अंदर की तरफ एंट्री, और आपको दिखाऊंगा मैं अब सफदरजंग का मकबरा। पीछे मेरे देख सकते हैं मस्जिद है, मस्जिद के 3 गुंबद आप देख सकते हैं बिल्कुल, और इसका एंट्री गेट है। तो चलिए आगे चलते हैं और अब दिखाएंगे अंदर से सफदरजंग मकबरा कहां पर है, और उसके कुछ जानकारी आपको देंगे। तो चलिए चलते आगे, वीडियो बने रहे। पीछे है ये सफदरजंग का मकबरा, और अब अंदर तरफ जाएंगे आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, तो वीडियो बने रहे आगे तक। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे होंगे पीछे, ये सफदरजंग टॉम के चारों तरफ बाग है, जिसे चारशैली बाग भी कहा जाता है, जो कि मुगलों के पारंपरिक वास्तुकला के हिस्से है। ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा हिमायू टॉम के अंदर। अगर हम वाली वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अब जाएंगे अंदर और ध्यान को सफदरजंग का मकबरा अंदर से। तो चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। क्योंकि सफदरजंग के जो बेटे थे, जब यहाँ पर आके रहते थे, तो उनका परिवार भी यहाँ पर आके रहता था आराम से। तो देख सकते हैं यहाँ पर कमरे हैं चारों तरफ, तो ये छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं। तो चलिए चलते हैं सफदरजंग की कब्र के पास, ऊपर देखते हैं। काम चल रहा है, मकबरे को द्वारा से रिनोवेट किया जा रहा है। तो आपको दिखाता हूँ सफदरजंग की कब्र, थोड़ा चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये सफदरजंग की कब्र है, वैशाली मकबरा इसे ही कहते हैं, इसी मोड़ है। इसके नीचे इनकी वाइफ की कब्र और इनकी खुद सफदरजंग की कब्र है, इसके नीचे जस्ट होती है वो। और यहाँ पर काम सिस्टम हो रहा है, तो पास जा सकते नहीं ज़्यादा, देख सकते हैं आप। तो चलिए आप और गुजरते हैं बाग के अंदर क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या नहीं। तो चलिए तो सफदरजंग का जो मकबरा बनाया गया है वो सफ़ेद संगमरमर और लाल बालू पत्थर से बनाया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और इसमें काम चालू है, तो थोड़ा टाइम बाद ही और अच्छा लगेगा। फिर आपको इसकी वीडियो एक बार दूर दिखाऊंगा मैं आपको। तो थोड़ा सा चलते हैं आगे और थोड़ा सा करते हैं एक्सप्लोर चाहिए।
देख रहे हैं, यह दूसरा महल यहाँ का जो कि जंगली महल, और आपको देखेंगे हम बादशाह पसंद महल। तो चलिए चलते थोड़ा आगे और देखते हैं बादशाह पसंद महल को भी। यह बादशाह पसंद महल, और इस महल की खास बात यह है कि यह इसके आगे जो देख रहे हैं चबूतरा बना रखा है, जो किसी खासियत है। ऐसा चबूतरा आपने देखा अभी आपने तो न मोती महल के आगे था न जंगली महल के आगे, इसलिए बादशाह पसंद महल इसका नाम रखा गया है, किंग फेवरेट। तो देख सकते हैं आप। तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर भी कर देना।